सो गुड मॉर्निंग गाइस, ससुराल के नव फुल हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। और आज है संडे, और जैसा कि आपको लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि जो मेरा ऑफिस कलीग है उसके भाई की शादी आने वाली है, तो आज है वो लगन सिक्का उसका, और दिन में हम वहाँ जाने वाले हैं आज। तो हम फटाफट सुबह उठ के तो रेडी हो गए थे, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट शायद 3 या 4 बजे के अराउंड होगा। तो मैंने कहा यार टाइम से उठ जाते हैं, ताकि क्योंकि अभी कपड़े भी डिसाइड नहीं करे हैं हम लोगों ने कि पहनना क्या है एक्चुअली। तो फिलहाल हो रही है नाश्ते की तैयारी। यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी, ये बन रही है चाय, और ये मेरे लिए बन रहा है ब्रेड ऑमलेट। और आप क्या खाने वाली है मैडम? मैंने कटहल बनाया है तो उसके साथ में रोटी बना के लाई थी मैंने। एक्चुअली कल कुछ लड़ाई हो गई थी इसकी और चिंकी मिंकी की, दिखाता हूँ मैं आपको। दिखाना जरा फेस पे वो निशान गया है नहीं गया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये निशान देख रहे हैं। एक्चुअली कल चिंकी मिंकी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी निशु को, तो इसने गुस्से में उनको मतलब उनके केज में डाल रही थी, एकदम से उछल के उसने उसके यहाँ पर पैरों के निशान लग गए। बोल रही थी मैडम कि अगर सुबह तक ये निशान नहीं गए ना तो मैं जाऊंगी नहीं, आप अकेले ही जाना। बट होप्स अब काफ़ी हद तक तो काम है, क्योंकि नारियल तेल लगा लिया था इस पर, काफ़ी हद तक काम है। देखो ये थोड़ा सा है, बट कोई नहीं, वो जादुई मेकअप से छुपा लेना अपने। इतना सारा मेकअप भरूंगी क्या फेस सो पे? फिलहाल नाश्ता करते हैं पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाश्ता तो हमारा हो चुका है, और देखो मैं जस्ट बर्तन वगैरह साफ करने गई थी तो ये मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से फ्री हो जाओ और ना कपड़ों को डिसाइड कर लेना। मैंने कहा ठीक है चलो। और जब मैं तो आई ये महाराज जी सो गए हैं और साथ में ही मैंने चिंकी मिंकी को खाना दिया था, इनको भी सुला दिया। अब देखें जरा ये सो गई हैं कि जग रही है। ये देखो एक तो सोई पड़ी है, इन दोनों को भी सुला दिया इन्होंने। एक्चुअली लाइट चली तो लाइट जाने की वजह से ये अपने आप को रजाई में दुबका के सो गए। तो चलो मैंने पहले जगा देती। हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? ये क्या है ये? देखो ऐसे कपड़े डिसाइड होंगे ऐसे, फिर सारी गलती घूम फिर के मेरे ऊपर कि तुम ही नहीं करती हो, तुम नहीं करती हो, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। चलो उठ जाओ फटाफट से। और अभी मेरी बात हुई थी दीपेश से, वो भी कह रहा था कि भैया 3-4 बजे तक आ जाना आप लोग। तो हमने कहा चलो इट्स राइट टाइम, हमें उठ जाना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यार सोच रहा हूँ ट्रिम श्रिम कर लूँ दाढ़ी थोड़ी बहुत। नीशू मैडम भी लग गई हैं, ये देखो। बिफोर मेकअप एक हाँ, ये क्लिनजिंग कर रही है फेस की। क्लीनिंग तो अपन भी जरा दाढ़ी साड़ी थोड़ी सी सेट करें, और फिर कपड़े डिसाइड हो चुके हैं, फिर रेडी होंगे। तो मैं तो अभी भी आलस आ रहा है यार, एक्चुअली मेरी बात मेरे हुई थी, निशान देखो इधर अभी तक गया नहीं है। आपको ये मेकअप से ढकना पड़ेगा। और अभी वहाँ पर भी वो लोग भी लेट हो गए, शायद बात हुई है 4-5 4 बजे तक शायद वो लोग भी पहुँचेंगे। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम है, ये हमारे कपड़े डिसाइड हो गए हैं, ये मैं पहनने वाला हूँ, मैडम जी ये सारी वेयर करेंगी, ये इनका जो मेकअप कब ताम झाम निकल चुका है, ये घूम रही हैं ऐसे। ओह माय गॉड। सो अभी मैं बनी हुई हूँ भूतनी। पहले सबसे पहले मैं करूंगी हेयर ड्राई, और मेकअप करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से बहुत सारा क्रीम लगा के बिल्कुल स्मूथ सी स्किन करी। मॉइस्चराइज कर लिया एक तरह से, नहीं मॉइस्चराइज कहते हैं जो भी कहते यस हैं। मॉइस्चराइज कर लिया तो है। तुम्हारा जो मेकअप का है ना वीडियो, वो पर्सनली कभी और ब्लॉग शूट कर लेंगे, हाँ अभी वो फिलहाल हम स्टेप बाय शादी। स्टेप जो मैं हाँ वो बाद शेयर में शेयर करेंगे अभी फिलहाल स्टेप जल्दी बाय जल्दी, स्टेप, अभी फिलहाल रेडी होना स्टार्ट कर रही लेकिन है मैडम, क्योंकि फिर इसी को भी लगने वाला टाइम, बात यह है टाइम इसी को लगेगा। अपना क्या, अपने तो लत्ते पहनने हैं और जितना चमक रहा चेहरा उतना ही काफी है हमारे लिए, तो क्यों फिर जी। भी मैंने थोड़ा क्लींजिंग किया है ना तो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है फेस। नहीं चलो फिर अभी तो मैं विदाउट मेकअप है, देख लो आप इसको रेडी होने थोड़ा वजह सा एक जूम करके दिखाओ ना पास से। हो। चलो फिर तो पहले मैं रेडी, कर लेती हूँ हेयर ड्राई। तो बज गए हैं 4, और मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ तब से,
क्योंकि मैं फोन करके अपडेट ले रहा हूँ बार बार कि यार मतलब जहाँ प्रोग्राम है वो शुरू मतलब हुआ है या क्या है क्या नहीं है। तो अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, तो हमारे पास अभी भी टाइम है। निशु मैडम का भी क्या कहते हैं मेकअप शेकअप रेडी है, और मतलब उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला तैयार होने में, बट हम फिर भी करीबन 1 घंटे बाद ही निकलेंगे क्योंकि अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखते हैं फिर अपन भी रेडी होंगे और चलेंगे प्रोग्राम में। अब रेडी होना ही पड़ेगा। फ़ोन आ गया दिपेश का, कह रहा आ जाओ फटाफट, सब आ चुके हैं और निशु तो रेडी है। मैं अभी भी ऐसे ही घूम रहा हूँ, गुस्सा कर रही थी, कह रही फटाफट रेडी हो जाओ। अब जरा मैडम का लुक तो दिखा दें, क्या पहन रही हैं आज। टन टन ना ना ना। मेरा माँ, ये देखो जो निशान था वो मैंने हाइड कर लिया। यही तो ताकत है मेकअप की। तो अब मैं भी हो जाता हूँ रेडी। मैंने और मतलब आज अपना सिंपल सा ही लुक रखा है, बिकॉज भैया कह रहे थे दिन का प्रोग्राम है, बट शाम ही हो दिन गई। और रात कुछ नहीं है, अब बड़ा अच्छे लग रहे हो जैसे भी तैयार हुए हो। अब मैं भी फटाफट होता हूँ रेडी। होप सो। जो हम एक्चुअली मोस्टली हम क्या करते हैं ना, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम मैचिंग ही पहनते हैं, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि जो मैं पहन रहा हूँ वो मैच कर जाए। बस फटाफट मैं भी तैयार होता हूँ फिर। सो फाइनली वी बोथ आर रेडी। हाँ जी मैडम, इधर आइए एक बार, आ गए जी। इधर आइए, इधर इधर उधर होइए थोड़ा सा। तो हम दोनों हैं रेडी, चलते हैं फटाफट और जितना जल्दी पहुंचे अब, है ना। वैसे मुश्किल से हमें 10 मिनट लगने वाले हैं, बहुत नज़दीक है हाँ, हमारे घर के, पास ही है हमारे तो तो हम पास। निकल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हाँ ये वो लाइट है ना। बस अभी अभी पहुंचे हैं घर। और मेरे साथ क्या हुआ वो ही बता दो। खाना बहुत अमेजिंग था, बड़ा मजा आया वहां पर। और आते आते बहुत तगड़ा पोपट हो गया, बट बच गया, हमने किसी तरह इज्जत बचा ली। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग वैसे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ही था यहाँ से प्रोग्राम, तो हम लोग जाते हुए रिक्शे से चले गए थे। हमने कहा यार खाना ज्यादा खा लिया, आते हुए ना वॉक करते हुए आएंगे। वॉक करते हुए ही आ रहे थे और सडनली क्या हुआ, मैडम का थोड़ा सा पैर मुड़ा नहीं मुड़ा पता नहीं, और इसके फुटवेयर के साथ देखो क्या हुआ है। पहले वो दिखाओ जो ठीक वाला है, ये फुटवेयर ऐसे पहन के गई थी, अब जरा दूसरा पैर दिखाओ कहाँ है, हील कहाँ गई उसकी, दिखाओ तो। अरे यार दोनों पैर ऊपर कर रहा, ये देखो डस्टबिन में मतलब जाने वाली है। जब चलते चलते आगे हंसे जा रही है, हंसे जा रही। क्या हुआ, कह रही पीछे मुड़ के देखो जमीन पे हील पड़ी हुई थी, कह रही अब चुपचाप चलते रहो आगे। तो फिलहाल पहले लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस और ये मेरा लास्ट है। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो चुका, मेरी ना जूतियां जूतियां फट गई थी एक्चुअली। मेरा मेरे साथ हुआ ही है, आपके मेरा साथ हो मेरा चुका है। एक कलीग है, भाई जैसा है छोटे, लवनीत, उसके भाई की शादी के अंदर ऐसा हुआ था। मैं कुर्ता पजामा और जूती वगैरह पहन के गया था, और वहीं पर मतलब और शादी भी काफी दूर थी, वहां पहुंचकर मेरी जूतियां फट गई थी, और अब मैं बड़ा परेशान हुआ था यार उस दिन तो कसम से। और आज मैडम के साथ हुआ, चलो अच्छा हुआ हम नजदीक थे, फटाफट रिक्शा पकड़ा। मतलब ऐसा था कि 50 मीटर पे घर रह गया था, फिर रिक्शे से आए चलना हैं। चलना लेके तो लाके लाना मेरे को खर्चा आ फुटवेयर। गया खामा खा, वो और दिलवानी पड़ेंगी। कह रही 2-3 जोड़ी खरीदूंगा अभी इकट्ठी सब्स्टिट्यूट। अब तो ऐसा लग रहा है एक ना रख के ले जानी पड़ेगी कहीं पे प्रोग्राम में जाएंगे नहीं तो। यार फर्स्ट टाइम हुआ है, पता नहीं ऐसे कैसे हुई। तो चलो पहले चेंज कर लेते हैं यार। है मैडम जी चेंज कर लो, हो तो चाय पीने को इच्छा कर रही है थोड़ी सी, बना ले। अब हम ये सोच रहे हैं कि एक बढ़िया सी चाय मिल जाए तो मूवी देखते हुए चाय देख पियेंगे, क्योंकि डिनर हमारा हो चुका है। मेरी ज्वेलरी, आई मीन टू से एक्चुअली उसका हम क्या करेंगे बताओ, हमें चाय पिलाओ, हम आपको एक बढ़िया सी पिक्चर दिखाते हैं, लेटेस्ट मिशन मजनू। ये कैसा लग रहा है फ्रेंड्स,
जब पहनो तब पता चलता है ना, ये तुम ये झूल, ये चाय ना बनाने के बहाने हैं, लगता है मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। हाँ ऐसे पहन लो, ये बढ़िया लग रहा है। ऐसे वो नहीं होता, वो फेस मास्क जो होता है ऐसे करके। ये कौन सा फेस मास्क है भाई, पता नहीं का। मजाक नहीं समझते आप, पिक्चर नहीं देखते क्या? पिक्चर देखते कि नहीं देखते आप? क्या एक्टिंग कर रही है, वाह क्या करीना एक्टिंग कपूर को फेल कर दिया ना मैंने। कर। यार मैं इसे कह रहा हूँ चाय बना ले, और ये देखो ये यहाँ लगी हुई है चिंकी मिंकी के घर की सफाई में। यहाँ हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस। ये देखो अब इनके हाउस क्लीनिंग हो गई है बढ़िया से। अब चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? आ गई है चाय। मैडम जी आप भी आ जाओ, अब छोड़ो अपने नूरानी चेहरे को। नूरानी चेहरा नहीं, मेरा एक मूवी सेट हो रही है। एक हाइड हो गया, एक कैसे दिख। बात नहीं, हम प्रोग्राम अटेंड करके आ चुके हैं वापसी। तो फिलहाल अब हमारा प्लान है मूवी शूवी देखते हुए चाय पीने का। चाय में बना लाई हूँ और भर के। तो फिर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और आई होप व्लॉग आप लोगों को हमारे पसंद आ रहे हैं, शॉर्ट्स भी पसंद आ रहे हैं, थोड़ा सा और प्यार दिखाइए। और तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी हमारे नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग व्लॉग में, तब में। तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।